ध्यान से सुनना, जिन्होंने शिव जी के ऊपर गलती से भी एक लोटा जल चढ़ाया है, जिन्होंने गलती से भी श्रावण मास में एक लोटा जल चढ़ाया है, भगवान उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं। हो सकता है तुम्हें आज ना मिले, लेकिन वो एक लोटा जल भोलेनाथ अपने पास रखते नहीं है। पहली बात तो ये समझो, वो जल क्यों चढ़ाया जाता है। कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। हम बता दें, बता दें, थोड़े ढंग से पूछो तो बता दें। ओम नमः शिवाय जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय जल, क्यों चढ़ा रहे जल, बोले पता हो ना। देखो, शिव समान दाता नहीं जग का सृजनहार, लज्जा सबकी राखते वो नंदी के असवार। उन जैसा दाता नहीं है, वो सब दे देते हैं, जो तुम चाहो वो सब दे देते हैं, जो तुम डिमांड करो वो दे देते हैं, और बहुत कम में दे देते हैं। जल और बेलपत्र पे प्रसन्न हो जाने वाले बाबा है। जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, बाबा खुश। बेलपत्र चढ़ाने का लाभ जानते हो कितना पुण्य है, कोटि कन्या 1 करोड़ कन्या दान के बराबर फल मिलता है जब हम एक बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं। अब सोचिए, लेकिन हमारे सनातनी भाई बहनों को, बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं, बुजुर्ग ये बात सिखाते नहीं, शिव जी पे अभिषेक क्यों किया जाता है ये समझाते नहीं। मैं आप सबसे फिर कहूंगा, निवेदन करूंगा, पूरे श्रावण मास में अधिक कुछ ना कर सको तो अपने बच्चों से यही कहो कि भैया एक लोटा जल चढ़ा दो नित्य जाकर शिव जी पर। अगर आसपास मंदिर ना हो तो बोले घर में शिव जी होंगे उन पे जल चढ़ा दो, घर में शिव जी भी ना हो तो क्या करें, बोले हम पर उससे भी अच्छा उपाय, अपने बाएं अंगूठे को ऐसे करो। ए आलसी, थक गए, अपने बाएं अंगूठा ऐसे करो, हाथ में लोटा लो जल का और इस अंगूठे को शिवलिंग समझो और इस पे जल चढ़ा दो। जो मंदिर में शिवलिंग जल चढ़ाने से फल देगा, वही अंगूठे में शिवलिंग का भाव रखकर अगर तुम जल चढ़ा देते हो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा। अब बताओ, इससे भी सरल कोई उपाय है? है। अगर तुमसे इतना भी नहीं हो ना, तो फिर तो यूं ही समझो कि तुमको भगवान ने नरक के लिए बनाया है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।